आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्रपत्र नो को कैसे फिल करें, जो कि एक स्टूडेंट से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टूडेंट का डाटा, नाम, जन्म दिनांक, पिता का नाम, आधार कार्ड, तो ये कैसे हम करेक्ट करें, कैसे एडिट करें, हाउ टू अपडेट। तो इसके लिए हम क्या करना है, अपनी शाला दर्पण की आईडी को ओपन करके जो डैशबोर्ड के बाद चार नंबर पर स्टूडेंट शो हो रहा है उसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट से संबंधित यहाँ बहुत सारे मेन्यूज खुल गए हैं। पहली जो रो दिखाई दे रही है उसमें चार नंबर पे लिखा है एडिट स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 5, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम फॉर्मेट 5 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें ऊपर लिखा है स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्मेट 5 और नीचे यहाँ लिखा है सेशन, किस सेशन के बच्चे का डाटा आप सही करना चाहते हैं। तो जो भी करना चाहते हैं, सेशन इसमें चार दे रखे हैं, तो हम वर्तमान वाला करना चाहते हैं 2020-21, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद बच्चे की कक्षा लिख दीजिए, आप जिस क्लास का बच्चा है उसका लिख दीजिए, कोई भी XYZ जो भी अच्छा लगे, एग्जांपल के लिए क्लास 8 और सेक्शन जो दे रखा है ज़्यादा है तो आप ABC जो भी है वो कर दीजिए, अन्यथा सेक्शन A करके शो पर क्लिक कर दीजिएगा। शो पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 के जितने भी बच्चे हैं वो इस प्रकार आ जाएंगे, जिसमें पहला देख लीजिए SR नंबर 1183, इसमें बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, जेंडर, DOB, मोबाइल नंबर, ये हैं, इतने करेक्शन हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहला SR है उसके एंड में एक्शन लिखा है, उसके नीचे एक निशान आ रहा है, उसको हमें जो पेंसिल का निशान है उसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं। हम SR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ये डब्बा बन गया है, इस पर करेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे पे करेंगे ड्रीम पे तो भी आपको दिखाई दे रहा है कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। और फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, DOB, और इस प्रकार हम सारे करेक्शन इस पर कर सकते हैं। करेक्शन के बाद जो काटे का निशान है उसके ऊपर जो एक निशान आया है उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे को SMS कर दीजिएगा, टेलीग्राम ID पे स्क्रीनशॉट के साथ अपनी समस्या लिखिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं वो अपनी ID से मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे ट्विटर से जुड़ें, टेलीग्राम से और इस ID से भी, YouTube ID से भी जुड़ें, ताकि कोई भी समस्या है तो आप मुझे शेयर करें। जितने भी कार्मिकों ने अब तक अपनी समस्या बताई है सभी के एंड टू एंड जवाब दिए गए हैं, आपकी समस्याओं भी सुना जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और हर रोज़ आपसे निवेदन है कि OPS के लिए, पुरानी पेंशन बहाल के लिए आप ट्वीट जरूर किया करें। ट्विटर ID जिनके नहीं वो डाउनलोड कर लें, और जिनको नहीं पता है तो वो आप SMS कर दीजिएगा कैसे करना है। हम सब एक साथ मिलकर चलेंगे तभी हमें पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। तो सभी एक साथ रहें, एकजुट रहें, शिक्षकों एकता, कार्मिकों की एकता, सभी विभाग एक साथ मिलकर चलेंगे तब ही हमें ये पुरानी पेंशन बहाल होगी, जो हमारा हक है, हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।